रहीम अस्सलाम वालेकुम जी यानु खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना भाई जैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैद चांडिया व्लॉग। दोस्तों आजकल जब मौसम चल रहा है इसकी वजह से ना काले तितर के गले में खराश नज़ला ज़ुकाम हो गए हैं। बहुत सारे दोस्त अब आप बता रहे थे कि यार हमें कोई ऐसा नुस्खा बता दें जिससे जो है ना तितर की मस्ती बुलाई में भी फ़र्क ना पड़े, तितर जो है मस्ती बुलाई भी करता रहे और साथ में जो नज़ला ज़ुकाम है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाए। तो बहुत ज़बरदस्त उमदा नुस्खा लेके आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह जो भी नई और मालूमती वीडियो है आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुंचती रहे। दोस्तों आपने चार से पांच चीज़ें लेनी है, तरतीब से नोट कर लें ताकि कोई चीज़ ऊपर नीचे ना हो जाए। सबसे पहले आपने ले लेना है आधा कप पानी, ठीक है, आधा लीटर पानी, आधा लीटर पानी लेना है, ठीक है। आपने क्या करना है उसमें दार चीनी जो होती है एक चुटकी जितनी आपने वो ले लेनी है, ठीक है। पोस्त डोडा बड़ी मुश्किल से मिलेगा, ये आप पिंसार से ले लें, आपको बाहर से नहीं मिलेगा, आप ये ले लें एक चुटकी। उसके बाद जो गुलाब के फूल होते हैं उस खुश्क तो गुल गुलाब उसे बोलते हैं, उसकी भी एक चुटकी ले लें पाउडर की, या खुश्क किए हुए गुले बनफशा वो भी आप एक चुटकी के बराबर ले लें। सब्ज़ी इलायची वो भी एक पूरी सब्ज़ी इलायची ले लें, उस पानी में डालते जाएँ सारी चीज़ें। उसके बाद आपने लेनी है तुख में खबाजी एक चुटकी, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या करनी है आपने आधा लीटर पानी में आग पे रख देनी है, सारी डाल के पानी को आग देते रहना है, नीचे से जब देखें कि आधा रह गया तो इसको निकाल के ठंडा कर लें, छान लें अच्छे तरीके से, तीन से चार दिन तितर को पिलाएं। इससे जो है ना आपका तितर का नज़ला ज़ुकाम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, रेशा ख़त्म हो जाएगा। हाँ साथ में मिलट्ठी जो होती है वो चने के बराबर आपने वो भी लकड़ी की तरह होती है वो भी इसमें डाल देनी है, ठीक है। मिलट्ठी जो है ना गले की ख़ारिश के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। ये तीन से चार दिन दें इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके तितर का गले का मसला जो भी है रेशा है, कुछ तितर जो है गले के मसले की वजह से मस्ती बुलाई नहीं करते तो इंशाल्लाह आपका तितर अगर नहीं बुलाई कर रहा था वो बुलाई पर भी लग जाएगा, अगर बुलाई कर रहा है तो अच्छे तरीके से करेगा। क्योंकि सम टाइम कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि तितर बुलाई तो करना चाहते हैं लेकिन गले की खराश की वजह से, गले के मसले की वजह से वो नहीं करते। तो इंशाल्लाह इस खुराक से जो है ना आपका परिंदा बहुत अच्छे तरीके से मस्ती भी करेगा, बुलाई भी करेगा, गले का नज़ला ज़ुकाम केरा रेशा जो है सब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की मालूमाती वीडियो लेके आप तमाम दोस्तों भाइयों की खिदमत में हाज़िर होता रहता हूँ तो आपका हक बनता है आप हमारी सपोर्ट कर दिया करें। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह जो भी नई और मालूमाती वीडियो आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुँचती रहे। दोस्तों मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखना, वस्सलाम।